of Inner Secondary School. Hope you all are fine. I'm your computer teacher, Kamal Munawar Ali. This is your second and last lecture. After that, your syllabus will be completed. So we will start from chapter Working with MS Word. Working with Microsoft Word. Microsoft Word 2007 is one of the most popular word processing software in the market. Microsoft Word जो है वो market में सबसे जो है मशहूर software है, word processing software है. We can write poems. हम इसमें क्या लिख सकते हैं? Poems लिख सकते हैं, stories लिख सकते हैं, messages लिख सकते हैं, notes और letters. इस using this software, इस software को इस्तेमाल करते हैं. यानी कि Microsoft Word जो है word processing software का सबसे जो है ज़्यादा मशहूर software है market में. और इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के working कर सकते हैं, जैसे कि poems लिख सकते हैं, इसमें stories लिख सकते हैं, messages वगैरह लिख सकते हैं. यानी कि जितने भी typing वाले काम हैं या जितने डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हैं हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कर सकते हैं. अब इसको देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे होता है. स्टार्टिंग में एमएस वर्ड, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू. सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करने के लिए कहाँ पर जाना है आपने? स्टार्ट मेन्यू में. द वर्ड 2007 विंडो अपेयर डिस्प्लेइंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. अब क्या होगा, वर्ड की जो 2007 की विंडो अपेयर हो जाएगी आपके सामने और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा. अब आप देख रहे होंगे इसके विंडो पर जो है मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये आपको ये बटन नज़र आया, ये ऑफिस बटन होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, ये जो ऊपर जो आपके टैब लाइंस आ रही होती हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं वो रिबन कहलाती है, और जिस पे वर्ड का या जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वो टाइटल बार कहलाता है. इसके पास ये तो तीन बटन होते हैं, कंट्रोल बटन कहलाते हैं. सेंटर वाले को मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज मतलब विंडो का साइज बड़ा करने के लिए, मिनिमाइज विंडो का साइज छोटा करने के लिए, और क्लोज बटन विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा लास्ट में स्टेटस बार है, उसके बाद जूम स्लाइडर है, जूम से है आपके पेज का साइज छोटा बड़ा हो जाता है. अब वन बाय वन इन सब जो ऑप्शंस अभी मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए इसके जो है डिटेल में रीड करते हैं. सबसे पहले है ऑफिस बटन. ऑफिस बटन इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो. ऑफिस बटन कहाँ मौजूद होता है? सबसे टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे. ये देखिए आप देख रहे होंगे जहाँ पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है यहाँ पर जो है ऑफिस बटन मौजूद होता है. इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू फाइल्स एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड. अब ये इसका काम क्या होता है, ये जल्दी से आपको किसी फाइल्स में पहुँचना होता है या आपको कोई कमांड यूज करनी होती है उसके लिए काम होता है. यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की कमांड मौजूद होती हैं. अब कौन कौन सी होती है देखिए आगे रीड करते हैं. सच एज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो तो वो यहाँ से मिलेगा. ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पहले से आपने डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ होगा वो अगर आपको ओपन करना है तो वो यहाँ से वो ओपन के ऑप्शन से आ जाएगा. सेव अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट सेव करना हो तो यहाँ से मिल जाएगा आपको. इसके अलावा प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, कोई ऑप्शन आपको प्रिंट करना है या कोई काम आपको प्रिंट करना है तो उसका भी आपको ऑप्शन इस ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा. नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार. अब क्विक का मतलब आपको पता है जल्दी, तो जल्दी आपको किसी ऑप्शन में पहुंचना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? क्विक एक्सेस टूल बार यूज़ करते हैं. जो जिसका ऑप्शन ये एरो नज़र आ रहा होगा आपको ये होता है. द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन. क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ मौजूद होता है? ऑफिस बटन के. देखिए ऊपर वाली लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाती है? क्विक एक्सेस टूल बार होती है और कहलाती है, और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद होते हैं. इट होल्ड्स द कमांड विच आई यूज ओवर एंड ओवर अगेन. अब इसके अंदर कौन सी कमांड्स होती हैं? वो कमांड्स मौजूद होती हैं हम जो जिसे हम बार बार जो है यूज़ करना होता है, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू एक्सेट्रा. यानी कि जो सेव करना है कोई काम को दोबारा लाना है, अगर गलती से अगर आपके कट हो गया है या डिलीट हो गया है या रीडू करना है कोई एक्शन को, तो ये सब आम ऑप्शन कहाँ मौजूद होते हैं? इस वाली लाइन में मौजूद होते हैं जो ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ में मौजूद होती है. वी कैन ईजली कस्टमाइज ऑफिस क्विक एक्सेस टूल बार एंड एड कमांड्स इन इट. अब हम आराम से ना इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें वो कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि राइट क्लिक ऑन द बोल्ड कमांड्स रिबन बटन इन द रिबन. अब सबसे पहले क्या करें, ये बोल्ड है, बोल्ड कमांड पर राइट क्लिक करेंगे. सेलेक्ट ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार. अब सेलेक्ट करें ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार. जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो टूल बार में ये जो है बोल्ड का जो है आपको
नज़र आ जाएगा। इसी तरह कोई भी ऑप्शन आपको अपने रिबन के अंदर से क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है, बस सिंपली उस पर राइट क्लिक करें, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करें और वो ऐड हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस कमांड बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ हम ऐड भी कर सकते हैं इसमें और रिमूव भी कर सकते हैं। अब रिमूव करने के लिए क्या करना होता है वो देख लेते हैं। राइट क्लिक ऑन द बोल्ड कमांड। अब बोल्ड कमांड बटन को राइट क्लिक करें क्विक एक्सेस टूल बार में, सिलेक्ट रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। बस जहाँ पहले ऐड लिखा हुआ आ रहा होगा तो वहीं पर रिमूव लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके साथ ही क्या हो जाएगा वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से। दिस कमांड विल रिमूव द बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। ये प्रोसेस और ये कमांड क्या कर देगी, आपके जो क्विक एक्सेस टूल बार में से बोल्ड की कमांड को इरेज कर देगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ऑफिस बटन क्या होता है और कैसे कोई भी कमांड हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अब आगे रीड करते हैं। रिबन। अब बार बार रिबन का जिक्र आ रहा था, आप देखते हैं ये रिबन क्या होती है। रिबन इज अ पैनल बिलो द टाइटल बार। ये जो पैनल नज़र आता है जहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद होते हैं, ये ऑप्शन क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है। जैसे जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब ये क्या कहलाता है, रिबन कहलाती है। इट प्रेजेंट कमांड ऑर्गेनाइज इन द सेट टैब्स कॉल्ड सेट ऑफ टैब्स कॉल रिबन टैब्स। यानी कि इसमें क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स होते हैं। जैसे कि होम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास होम से रिलेटेड ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन हो जाएंगे, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, राइटिंग का साइज बड़ा छोटा करना, पेज का सेटअप करना, मतलब आपको कहाँ पे सेंटर में काम चाहिए या राइट कॉर्नर पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, इस तरीके से ये ऑप्शन होते हैं। इसी तरह रिबन इज़ डिवाइडेड इंटू 7 टैब। अब रिबन जो है डिवाइड की गई है कितने टैब्स में, 7 टैब्स में। एंड ईच टैब इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप। और हर टैब के जो है सेवरल ग्रुप्स हैं में मौजूद है। जैसे अभी मैंने होम के बारे में बताया, इसी तरह इंसर्ट का अलग है, पेज लेआउट का अलग है, मतलब इस नाम के हिसाब से इसमें ऑप्शन दिए हैं। अच्छा जी, दैट शो रिलेटेड आइटम्स टुगेदर। जो इससे रिलेटेड आइटम्स होते हैं या ऑप्शन होते हैं एक साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। टैब इज़ द कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स। टैब जो है में मजमुआ होता है बहुत सारे कमांड्स का, एक जैसे जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ग्रुप्स शो सिमिलर कमांड्स टुगेदर। अब ग्रुप का क्या काम होता है, एक जैसी कमांड्स को एक साथ शो करती हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर गिव यू एक्सेस टू एडिशनल कमांड। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का काम क्या होता है कि आपको एडिशनल कमांड्स से एक्सेस पहुँचाती है विया डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के जरिए। यानी कि कोई और कमांड चाहिए हो जो यहाँ पे मौजूद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से जाके डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, लॉन्चर ओपन करेंगे, वहाँ पे एडिशनल कमांड आपके पास मौजूद होंगी। कमांड बटन आर यूज्ड टू इशू कमांड्स टू एक्सेस मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्स। कमांड बटन का काम क्या होता है, आपको इशू करते हैं कमांड्स इशू करते हैं जिससे आप मुख्तलिफ किस्म के मेन्यूज पे और डायलॉग बॉक्स तक आपकी आसानी से रसाई हो जाती है। आई होप कि आपको रिबन का आसानी से समझ आ गया होगा। देखें कमांड बटन्स, ये देखें BIU, ये कमांड बटन है, बोल्ड वाले, फॉन्ट ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, विन एंड जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट लाइक द जूम लेंस ऑफ अ कैमरा। कैमरे के जूम लेंस की तरह MS Word अलाउ अ यूज़र टू इनलार्ज और रिड्यूस द व्यू ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट विंडो। MS Word जो है वो इनलार्ज यानी कि बड़ा करता है और रिड्यूस यानी कि कम करता है टेक्स्ट के व्यू को जो डॉक्यूमेंट के विंडो पे होते हैं। वी कैन जूम इन टू गेट अ क्लोजअप व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम जो है जूम इन करते हैं क्लोजअप व्यू यानी कि करीब से देखने के लिए डॉक्यूमेंट को। जूम आउट टू सी मोर ऑफ द पेज एट द रिड्यूस साइज। और इसके बाद जूम आउट जब करते हैं तो पेज का साइज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें जो है पेज में जितनी भी चीज़ें और मौजूद हैं वो भी देख सकते हैं। देयर आर टू वेज टू डू दिस। अब जूम इन और जूम आउट करने के दो वेज हैं। सबसे पहले है क्विकली जूम इन और जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जल्दी से अगर जूम इन जूम आउट करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑन द स्टेटस बार क्लिक द जूम स्लाइडर। अब स्टेटस बार में जूम स्लाइडर मौजूद होता है जो कि एक साइड पे प्लस का है बटन मौजूद होता है, प्लस का मतलब होता है जूम इन और यहाँ माइनस का मतलब होता है जूम आउट, और बीच में जो बटन होता है इसको मूव करेंगे आगे पीछे तो प्लस की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, माइनस की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है चूज अ पर्टिकुलर जूम सेटिंग। कोई जो है पर्टिकुलर जूम सेटिंग के लिए, मतलब आप नहीं जा रहे हैं कि जूम इन जूम आउट आप स्लाइडर से नहीं करना चाह रहे हो, आप एक पूरा सेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑन द व्यू टैब
टैब पे, रिव्यू टैब में जाएंगे, इन द जूम ग्रुप, जूम ग्रुप में जाएंगे और क्लिक जूम 100%, और क्लिक जूम 100% पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जूम के जो है साइज आ जाएंगे, यानी कि 100% है, 70% है, 10% है, उसमें से आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। द जूम वैल्यू रेंज फ्रॉम 10 to 500%, जूम की जो रेंज होती है वो 10% से 500 तक हो सकती है, यानी कि किसी भी जूम्स को आप जो है पेज को जूम आप 10% से लेके 500% तक कर सकते हैं। जूम ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें, टाइप योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल नेम एज फॉलो, उसके बाद अपना जो है नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम लिखें। ऑन द व्यू टैब इन द जूम ग्रुप क्लिक 100 page कमांड, उसके बाद आप जो है व्यू टैब में जाके जूम ग्रुप में 100 page कमांड कर दीजिए, तो वी कैन एडिट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एज डिज़ाइन, हम जो है डॉक्यूमेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। जूम आउट बाई ड्रैगिंग द जूम स्लाइडर टू 33%, अब उसके बाद जूम आउट करेंगे टू जूम स्लाइडर की मदद से 33% तक, तो रिटर्न टू द नॉर्मल जूम सेटिंग, ड्रैग द जूम स्लाइडर टू 100%, और नॉर्मल जूम सेटिंग की तरफ आने के लिए तो हम जो ड्रैग करेंगे जूम स्लाइडर को कहाँ तक, 100% को, क्या मतलब है, ये आपकी एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है, अगर आप चाह करना चाहें तो घर में भी कर सकते हैं कि जूम किस तरह से के इन और आउट कैसे होता है, यानी कि आपने अपने नाम, क्लास, रोल, कमांड जो है, स्कूल नेम जो है, और एड्रेस लिख कर जूम इन, जूम आउट करके ट्राई कीजिएगा, और ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर आप करना देखना चाहते हैं कि जूम किस तरीके से होता है और कैसे काम करता है, तो आप जो है इसमें प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग करंट डेट एंड टाइम, अब हम जो है हमने डेट और टाइम इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर पे, वी कैन इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इन टू डॉक्यूमेंट, हम जो है डेट और टाइम डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर सकते हैं, वेन एवर वी ओपन और टेक प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट द डेट एंड टाइम इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली, और जब भी हम क्या करेंगे अपना ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट और प्रिंट करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का डेट और टाइम जो है खुद ब खुद उस पर मैंशन हो जाएगी। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लें, सेट द जूम सेटिंग टू 100%, 100% जूम की सेटिंग रखें, राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव एज शोन बिलो, फिर एक एप्लीकेशन लिखें सिक लीव की, जैसे ये नीचे नज़र आ रही होगी आपको, क्लिक द प्लेस वेयर द डेट एंड टाइम शुड अपेयर इन द डॉक्यूमेंट, और उस जगह पर क्लिक करें जहाँ पर आप चाहते हैं कि डेट और टाइम अपेयर हो जाए। ऑन द इंसर्ट टीम टैब, ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक डेट एंड टाइम, अब इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में जाकर आप क्या करेंगे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपेयर, अब जैसे ही आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आपके सामने नजर आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे उसमें से क्लिक द डेट एंड टाइम फॉर्मेट, उसमें फॉर्मेट से चूज कर लेंगे, क्लिक ओके टू कन्फर्म द सिलेक्शन, उसके बाद क्लिक ओके पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। The select dated and date, the selected date and time format appears in the document. तो फिर क्या होगा, जो select किया होगा अपने date and time, आपका appear हो जाएगा कहाँ पर, format पे या आपके document पे। Save it as application document, और इसको save कर दें अपने document को। अब आप देखें यहाँ पर जो है कुछ shortcut keys लिखी हुई हैं कि shortcut keys for inserting time, time को उसकी shortcut key है insert करने के लिए shift plus alt plus t, यानी कि तीनों साथ press करेंगे तो आपके पास आपको जो है ना डायलॉग बॉक्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद बखुद जो है इसको ओपन करने से हो जाएगा। इसी तरह टाइम डेट भी सेव कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डेट। आई होप आपको ये समझ आ गया कि करंट डेट एंड टाइम पे हमें क्या किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, और जब भी आप प्रिंट करेंगे तो वो डेट एंड टाइम आपके डॉक्यूमेंट पर खुद बखुद मैंशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं, नेक्स्ट है इंसर्टिंग सैम्पल्स, अब आप जो है अगर अपने जो है डॉक्यूमेंट पे सैम्पल इंसर्ट करना चाहे तो वे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। वी कैन इंसर्ट सैम्पल इन द डॉक्यूमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, हम वो सैम्पल जो है डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर सकते हैं जो कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल कॉपी, जैसे कि कॉपीराइट सैम्पल है, ट्रेडमार्क सैम्पल है, पैराग्राफ मार्क एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आपके जो है वहाँ पे कीबोर्ड पे नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं, और वह कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक जो है क्रिएट करें, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट, उसके बाद ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है आपकी मर्जी है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कर लें, बहुत अच्छी बात है, वरना देख लीजिए।
तो आप यहाँ से ये चीज़ें लिख लेंगे, नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके बाद सपोज़ वी वांट टू यूज़ सैम्पल ऑफ फ़ोन हेयर। अब ये सपोज करें जैसे कि हम यहाँ पे फ़ोन लिखा है ना, इस फ़ोन की जगह यहाँ पे फ़ोन का सैम्पल आना चाहिए। वो लाते हैं, आप देखते हैं कैसे लाते हैं। वो सेलेक्ट द वर्ड फ़ोन, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए फ़ोन के वर्ड को, क्लिक सैम्पल इन द इंसर्ट ऐप, इंसर्ट टैप में जाके सैम्पल पे क्लिक कीजिए। मोस्ट रिसेंटली यूज सैम्पल अपीयर इन अ बॉक्स। अब जो है सबसे ज़्यादा जो है सैम्पल जो यूज़ होंगे वो जो है आपके कैन में बॉक्स में आ जाएंगे, नज़र आ जाएंगे। इफ़ रिक्वायर्ड सैम्पल इज़ नॉट देयर देन क्लिक मोर सैम्पल। मतलब जो आप सैम्पल आप चाहते हैं अगर वो वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, जैसे आपके नीचे डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, आपने जैसे ही क्लिक करेंगे ना सैम्पल पे तो ये सब दिखेंगे। अब आपको जो सैम्पल चाहिए अगर वो वहाँ नहीं दिख रहा है तो मोर सैम्पल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे और आ जाएंगे सैम्पल्स। ठीक है, तो सैम्पल डायलॉग बॉक्स अपीयर डिस्प्लेइंग द सैम्पल ऑफ द करंट फोन। अब सैम्पल डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा आपको आपकी स्क्रीन पे। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सैम्पल। अब जो हमें सैम्पल चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अभी हमें फ़ोन पे चेंज करना है तो फ़ोन को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक इंसर्ट। अब जहाँ पे डायलॉग बॉक्स है वहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, सिलेक्टेड सैम्पल विल बी इंसर्टेड। और तो क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो सैम्पल सेलेक्ट किया होगा वो उस जगह पे जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी जगह पे आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने फ़ोन सेलेक्ट किया था, मैंने यहाँ से इंसर्ट किया फ़ोन को, तो यहाँ पर देखें आप देख सकते हैं इस तरीके से फ़ोन आ जाएगा। आई होप ये आप इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। वी कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग क्लिप आर्ट टास्क पेन। हम क्लिप आर्ट टास्क पेन यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। वी कैन रिसाइज रोटेट एंड एडजस्ट द पोर्शन ऑफ द क्लिप आर्ट। हम जो है रिसाइज भी कर सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन पोजिशन को क्लिप। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो है क्लिप आर्ट कैसे लगाते हैं, उसकी मदद से कोई बैनर या कोई चीज़ कैसे बनाते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, चूज फॉन्ट साइज टू 72, टाइप बास्केटबॉल मैच एंड कलर इट ब्लू। क्या करना है आपने, सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, इसमें फॉन्ट साइज लेना है 72, उस पर लिखना है बास्केटबॉल मैच और उस पर ब्लू कलर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में टाइप करना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इस पर कलर कर दीजिए और इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 30। ऑन द इंसर्ट टेप एंड द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक क्लिप आर्ट। इंसर्ट टेप में जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिप आर्ट पे। अ क्लिप आर्ट पेन अपीयर राइट साइड पे आपके क्लिप आर्ट पेन जो है अपीयर हो जाएगा, नजर आएगा आपको। अ क्लिप आर्ट पेन अपीयर, टाइप द इमेज यू आर लुकिंग फॉर इन द सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक गो। क्लिक द रिक्वायर्ड क्लिप आर्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सर्च फॉर का जो आपको नज़र आ रहा होगा उसके नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा वाइट कलर का, उसके अंदर आपने जो भी क्लिप आर्ट आपको अपनी इमेज से रिलेटेड चाहिए या अपने काम से रिलेटेड चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, उस पर टाइप करेंगे, देन आप वहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद जो आपका रिक्वायर्ड क्लिप आर्ट है वो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के आपके सामने आ जाएंगे, उस पर से एक सेलेक्ट करेंगे आप लोग। द सेलेक्टेड क्लिप आर्ट इज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्टेड क्लिप आर्ट होगा वो जो है आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगा। एडिट द इमेज एज नीडेड बाय रिसाइजिंग और मूविंग इट। उसके बाद अपनी इमेज को अपने काम के हिसाब से उसको सेट करें, अगर आप उसको रिसाइज करना चाहते हैं या उसको मूव करना चाहते हैं एक जगह से या अपनी मर्जी के प्लेस पर लगाना चाहते हैं तो उसको उसके हिसाब से उसकी चेंजिंग कीजिए। फॉर हेडिंग चूज बोल्ड फॉन्ट, आई यूज़ इम्पैक्ट फॉन्ट हेयर। हेडिंग के लिए उन्होंने कहा बोल्ड फॉन्ट यूज़ करें, यहाँ पे उन्होंने जो इम्पैक्ट फॉन्ट है वो यूज़ किया हुआ है। टाइप द रिमेनिंग टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज। उसके बाद जो पेज है आपके इमेज से रिलेटेड या आपके वर्क से रिलेटेड वो जो है उस पिक्चर के नीचे लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे लगा हुआ एक बैनर बनाया उन्होंने बास्केटबॉल मैच का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, यहाँ पे उन्होंने बैट लेके एक क्लिप आर्ट लगा दिया और उसके नीचे उसके सारे इन्फो लिख दी, तो ये आपका एक बैनर बन गया। तो इस तरीके से आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आपको समझ आ गया कि क्लिप आर्ट क्या है, एक पिक्चर्स होती हैं तो आपके जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इन पिक्चर्स को और आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं वर्ड आर्ट। जैसे क्लिप आर्ट जो है पिक्चर्स की जो है उसमें फॉर्मेटिंग है, इसी तरह
वर्ड आर्ट के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। वर्ड आर्ट इज़ अ स्पेशली फॉर्मेटेड टेक्स्ट विच इज़ यूज टू क्रिएट सर्टिफिकेट्स, ब्रोशर्स एंड इन्विटेशन कार्ड्स एक्सेट्रा। वर्ड आर्ट जो है स्पेशल फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं जिसके उसको हम इस्तेमाल करते हैं सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ब्रोशर्स बनाने के लिए और इन्विटेशन कार्ड वगैरह बनाने के लिए। अब चलें यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्ड आर्ट का इस्तेमाल होता है, स्टेप्स में गिवन है, इसकी भी आप चाहें तो घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिए, क्लिक द ऑन द इंसर्ट टैब। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिए ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर इन द टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप के जो है टेक्स्ट ग्रुप से इनका वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे आप लोग, द वर्ड आर्ट गैलरी अपेयर, तो वर्ड आर्ट की गैलरी आपके पास अपेयर हो जाएगी। क्लिक द रिक्वायर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो है वर्ड आर्ट नजर आएंगे। आपको आपको जो आपके आपकी पसंद का है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद द एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर, तो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसके अंदर आप वो जो अपने वर्ड आर्ट या जिस स्टाइल में या जो लिखना चाहते हैं वो आप वहाँ पर लिख देंगे। टाइप द टेक्स्ट यू वांट द वर्ड आर्ट टू डिस्प्ले, यानी कि वो टेक्स्ट लिख देंगे जो आप डिस्प्ले पे लाना चाहते हैं। क्लिक ओके, द वर्ड आर्ट अपेयर इन द डॉक्यूमेंट, तो इसके बाद क्या होगा, वर्ड आर्ट आपके डॉक्यूमेंट पे अपेयर हो जाएगा। जैसे ये दिख रहा है यहाँ इन्होंने हैप्पी बर्थडे सॉरी बर्थडे नाइट लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ किस्म के वर्ड आर्ट ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट है लाइंस, यानी कि शेप का ऑप्शन होता है। एक शेप के ऑप्शन में मुख्तलिफ किस्म के शेप्स गिवन होते हैं जिसमें लाइन होता है, कर्व्स होता है, स्क्रिबल होता है, मुख्तलिफ किस्म के मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल है, लाइन है, सर्कल है, ओवल है, मुख्तलिफ किस्म के लाइंस गिवन है। इसके अलावा ब्लॉक शेप्स गिवन है और एरोज गिवन है, फ्लो चार्ट के डिज़ाइन गिवन है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लाइंस पढ़ते हैं। वी कैन यूज लाइंस एंड कर्व्स ड्रो शेप्स शेप्स इन द डॉक्यूमेंट, हम क्या कर सकते हैं लाइन और कर्व यूज़ कर सकते हैं शेप्स ड्रॉ करने के लिए डॉक्यूमेंट पे। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक शेप्स, आर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ शेप्स अपीयर, क्लिक द लाइन इन द लाइन कैटेगरी, द पॉइंटर बिकम्स अ प्लस साइन। अब देखें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इंसर्ट टैब पे जाइए सबसे पहले, वहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप मौजूद है, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप्स का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक लिस्ट आ जाएगी आपके अंदर। इस लिस्ट की मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के जो है शेप्स बना सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं लाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो लाइन पे क्लिक करेंगे इस तरह से ना प्लस का एक पॉइंटर आ जाएगा। उस पॉइंटर की शेप से आपको होल्ड करके रख के आप जैसे ही ड्रॉ करेंगे ड्रैग करेंगे तो आपकी एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन एनी डायरेक्शन टू ड्रॉ अ लाइन। अब जिस भी डायरेक्शन को इस पॉइंटर को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में लाइन जो है आपकी जो है आ जाएगी। द लाइन विद अ स्मॉल सर्कल हैंडल एट ईच एंड अर्थ, या फिर उसके बाद से क्या होगा, आप जैसे ही माउस को रिलीज करेंगे तो आपके दोनों जो है लाइन के साइड पे इस तरीके से स्मॉल सर्कल बने हुए आ जाएंगे। अब इस स्मॉल सर्कल की मदद से इसको जो है आपका साइज बड़ा छोटा सब कर सकते हैं। नाउ ड्रॉ लाइन्स टू मेक शेप्स लाइक दिस, अब उसके बाद आप यहाँ पे इन्होंने क्या लिखे हैं कि लाइन्स ड्रॉ कीजिए और इस तरीके के शेप्स अपने कंप्यूटर पे बनाए ताकि आपकी लाइन्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब कर्व्स हैं। अब कर्व्स के मतलब क्या होता है कि थोड़ी जो है टेढ़ी लाइन जो होती है। वी कैन ड्रॉ कर्व शेप्स इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग कर्व्स, अगर हमें कर्व शेप बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कर्व यूज कर सकते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक शेप्स, आर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ शेप्स अपीयर, क्लिक कर्व फॉर स्मूथ कर्व्स, द पॉइंटर बिकम एस। अब यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, आपने वहीं जाना है वैसे ही इसको भी लेने, कर्व को कैसे लेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद शेप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शेप्स पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाएगा, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के इससे आप जो है स्मूथ कर्व ले लेते हैं, उसके बाद फिर वही प्लस का पॉइंटर आपके पास शो हो रहा होगा, फिर उसको आप जिस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे वो उसी डायरेक्शन में और वैसा ही शेप बनाएगा। नाउ ड्रॉ द शेप यू वांट विद द प्लस पॉइंटर, क्लिक कीप क्लिकिंग एंड मूव द माउस टू ड्रॉ डिजायर शेप, आप क्या करेंगे क्लिकिंग करते रहिए और जिस टाइप का भी आपको शेप बनाना है वो शेप बनाते जाइए। डबल क्लिक टू फिनिश ड्राइंग अ शेप, अब जब आपको ये पॉइंटर को डबल क्लिक करेंगे तो शेप आपका बन जाएगा, मतलब माउस रिलीज करें हो जाएगा, पॉइंटर से छूट जाएगा। तो
तो आई होप आपको लाइन और कर्व का समझ आ गई होगी। कर्व को जो है पॉइंटर से छुड़ाने के लिए आप क्या कर करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और इससे कहाँ मौजूद होता है, इंसर्ट टेप टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप पे और शेप्स पे क्लिक करेंगे। तो शेप्स के ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइंस, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कर्व्स वगैरह मौजूद होंगे। इसके बाद एक स्क्रिबल भी होता है। स्क्रिबल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड शेप्स विथ फाइन डिटेल। अब स्क्रिबल किस लिए यूज़ होता है, स्क्रिबल जो है फ्री हैंड शेप्स के यूज करने के लिए यूज़ होता है। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक शेप्स, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ शेप्स अपीयर, क्लिक स्क्रिबल फॉर कर्व्स, द पॉइंटर बिकम अ पेंसिल के जैसे बन जाता है स्क्रिबल करना। नाउ ड्रॉ द शेप यू वांट विद द पेंसिल। देखें जब आप स्क्रिबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ना एक पेंसिल का पॉइंटर आ जाता है। आप उस पेंसिल की मदद से आप अपनी मर्जी से जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें या जैसे भी मूव करना चाहें उस पेंसिल को वो करती है। जैसे कॉपी में आप लोग काम करते हैं इसी तरह स्क्रिबल भी इसी तरीके से काम करते हैं। Free from lines and curves. Free form is used to draw shapes that have both straight lines and curves. Free form जो इस्तेमाल किया जाता है shapes draw करने के लिए, जिसमें हम straight lines भी draw कर सकते हैं और इसमें हम curve भी draw कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि आपने straight lines भी यहाँ पे आप draw कर सकते हैं इसकी मदद से, और इसके अलावा कोई curve अगर आपको देना हो तो वो भी कर सकते हैं। क्लिक द फ्री फॉर्म, द पॉइंटर बिकम्स अ प्लस। अब जब आप फ्री फॉर्म पे जो है आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंटर आपको इस शेप में आ जाएगा प्लस के साइन में। इंसर्ट टैब में जाके इलस्ट्रेशन ग्रुप में कहाँ क्लिक करेंगे, शेप से। तो जो अप डाउन लिस्ट आएगी वहाँ शेप्स के मेन्यू से या शेप्स की वो जो लिस्ट बनी है वहाँ से आपको फ्री फॉर्म जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ लाइंस किए हैं और कर्व किया है। टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस क्लिक एंड मूव द माउस इन एनी डायरेक्शन टू ड्रॉ अ लाइन, द लाइन फॉलो द प्लस अराउंड द स्क्रीन, क्लिक अगेन टू एंड द लाइन, डबल क्लिक टू स्टॉप ड्रॉइंग लाइंस। क्या मतलब हुआ कि आपने अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है इसको इस तरीके से आप जो है मूव करें ड्रॉ करके यहाँ तक के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर आप इसे छोड़ दें यानी कि माउस रिलीज़ कर दें। माउस रिलीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, फिर अगर आप आगे से कर्व ड्रॉ करने चाहते हैं तो इसी के साथ से आप आगे से कोई कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो आप यह जो है ये लाइंस आपकी जो है स्टॉप हो जाएगी ड्रॉ आना। टू ड्रॉ कर्व, जब कर्व ड्रॉ करने के लिए भी यही करना है, क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन एनी डायरेक्शन, क्लिक करें और किसी भी डायरेक्शन में जिस तरीके से आप कर्व चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप उसको मूव करेंगे, द पॉइंटर बिकम्स, जब आप कर्व मूव करेंगे तो पॉइंटर जो है वो पेंसिल का शेप देगा इस तरीके से। ठीक है, जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्लस का शेप आएगा और जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल का शेप आएगा। डबल क्लिक टू स्टॉप ड्राइंग कर्व, अगर आप जो है चाहते हैं कि बस आपका शेप पूरा हो गया है और जब उस पॉइंट पे आपको माउस बटन को लीव करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, डबल क्लिक प्रेस करना है। आई होप को लाइन एंड कर्व्स जो है आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, और इसके साथ साथ फ्री फॉर्म में कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रीड करते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे पास, मेकिंग लिस्ट बुलेट्स एंड नंबर। अब जब आपने देखा होगा जब भी हम कंप्यूटर पे या कॉपी में काम करते हैं या आपको जो है मिस पॉइंट वाइज कोई काम करवाती हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपको बुलेट्स लगाते हैं या नंबर्स लगाते हैं। तो कंप्यूटर पे बुलेट्स एंड नंबर लगाने के लिए या कोई लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स एंड नंबर लगाए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं ज़रा, बुलेट्स एंड नंबर आर यूज फॉर मेकिंग लिस्ट। बुलेट और नंबर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए। अ बुलेट इज अ स्मॉल सिंबल सच एज स्टार, सर्कल एंड स्क्वायर दैट मार्क एन इंपॉर्टेंट लाइन और इंफॉर्मेशन। बुलेट जो है एक छोटा सिंबल होता है, जैसे कि स्टार का सिंबल है, सर्कल का है, स्क्वायर का है या कोई और डिज़ाइन है, जिसकी वजह से आप इंपॉर्टेंट लाइन या इंफॉर्मेशन को मार्क कर सकते हैं या पॉइंट वाइज कोई काम करना हो तो वो काम कर सकते हैं। वेयर एज वी कैन यूज नंबर इंस्टेड ऑफ बुलेट्स इफ वी वॉन्ट टू शो इन्फॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस। अगर हम ये जो है बुलेट्स और मार्क्स नहीं लगाना चाहें, आप चाहते हैं कि 1, 2, 3 या ABCD करके नंबर्स आ जाएं, अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, तो उसके लिए भी सीक्वेंस वाइज काम हो जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे पास, तो उसके लिए बुलेट के बजाय हम क्या लगाते हैं, नंबर लगाते हैं। अब देखें ये फ्लावर्स नेम है यहाँ पे लिखे हुए, आप ही अपने कंप्यूटर में जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किए अपने नेम्स ऑफ फ्लावर ऑन ईच लाइन। अब हर लाइन पे आपने क्या करने, फ्लावर्स नेम लिखने हैं, जैसे डैफोडिल लिखा है, ट्यूलिप लिखा है, सनफ्लावर, रोज, जास्मीन, ये आपने लिखने के बाद सिलेक्ट द लिस्ट ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट हेडिंग। हेडिंग के अलावा
तमाम यहाँ से डेफोडिल से लेके जैस्मिन तक आपने सेलेक्ट कर लेना है माउस की मदद से। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक दिस बटन टू ऐड बुलेट्स। आप होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जब जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप बुलेट्स के बटन पे जो है क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी एक अपीयर हो जाएंगी। देखें इस तरीके से कुछ थीम्स बने हुए आ जाएंगे। सेलेक्ट द स्टाइल यू वॉन्ट टू यूज़, इसमें से आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद द सेलेक्टेड बुलेट स्टाइल विल बी अप्लाई ऑन द लिस्ट ऑफ फ्लावर टू रिमूव बुलेट सेलेक्ट नन। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप अपने माउस को छोड़ेंगे तो वैसे ही क्या होगा कि आपके जो है बुलेट्स वहाँ पर आ जाएंगे जो भी आपने सेलेक्ट किए गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर फ्लावर्स नेम कैसे लिखे हुए हैं और नीचे देखें यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई हो गए। ठीक है, अब आप चाहते हैं इस बुलेट्स को कैंसिल करना चाहते हैं, ये नहीं समझ आ रहे तो सेलेक्ट करके नन पे यहाँ पे बटन होता है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है बुलेट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वी कैन क्विकली सॉर्ट द बुलेट्स और नंबर लिस्ट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या मतलब हुआ, जैसे कि अभी आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए बी सी डी ई एफ सीक्वेंस वाइज जो है आपका काम आ जाए, मतलब ये ना हो कि भाई पहले जी लिखा है तो उसके बाद बी वाला काम है, बी वाला वर्ड लिखा है या पी वाला वर्ड लिखा है, इस तरीके से नहीं, सीक्वेंस वाइज काम आ जाए। उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट्स जो है क्रिएट कीजिए। राइट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कलर एड बुलेट्स टू दीज कलर्स। आप क्या करेंगे, ये तमाम कलर्स के नेम लिखेंगे, इन कलर्स के नेम के बाद इसमें बुलेट्स कोई भी अपने पसंद के बुलेट्स लगाएंगे जो अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक पे इससे पहले वाले टॉपिक में हमने रीड किए कि बुलेट कैसे लगाए जाते हैं। उसके बाद ऑन द होम टैब द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द सॉर्ट बटन। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आप सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना आप तो आपका काम, आपके पास जो है ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब आपको असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए, यानी कि जेड टू ए लिखे हुए आए या ए टू जेड लिखा हुआ है, उसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक पैराग्राफ एंड टेक्स्ट एंड क्लिक असेंडिंग, क्लिक ओके। असेंडिंग में क्या होगा, आपका ए से जेड तक के आ जाएंगे और डिसेंडिंग में क्या होता है, जेड से ए तक आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग किया तो द लिस्ट इज सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लिस्ट किस तरीके से आ जाएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने कलर्स के नेम्स आगे पीछे लिखे थे, येलो ब्लू ग्रीन ब्लैक पर्पल। अब यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो क्या हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस पहले बी वाले आया, फिर जी, फिर पी, फिर वाई, जैसे अल्फाबेट्स में वर्ड्स आते हैं या लेटर्स आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस बन जाएगी। उसके बाद टैब द स्पेस बार इज़ यूज टू पुट अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स। स्पेस बार जो होता है यानी कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड की सबसे जो लॉन्ग की होती है वो स्पेस बार की कहलाती है। अब वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, वो स्पेस देने के लिए, किसके दरमियान में, वर्ड्स के दरमियान में। द टैब की लेट यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम। अब देखें जब स्पेस बार आप यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक थोड़ा सा स्पेस देते हैं देती है, लेकिन जब आप टैब की यूज़ करेंगे तो वो एक वक्त में एक से ज़्यादा स्पेस दे सकती है। ठीक है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट्स लें, टैप योर नेम एंड प्रेस टैब की। अपना नेम प्रेस करें, प्रेस द टैब की वंस, एक बार प्रेस करें टैब की अगेन, फिर आप टैब की अगेन करेंगे तो आपका स्पेस जो है बढ़ता जाएगा। देखें जैसे कि यहाँ पे एक बार लिखा, नाम लिखने के बाद इसके बाद टैप की तो इतने स्पेस पे आ गया, फिर उसके बाद की तो ये इतने स्पेस पे आ गया। तो टैप की जो होती है वो कैप्स लॉक के ऊपर मौजूद होती है और ये जो टैप की यूज़ होती है एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए अपने कंप्यूटर पे या अपने काम में। आई होप ये कल समझ आ गया होगा। स्पेस बार की जो है एक थोड़ा सा स्पेस देने के लिए यूज़ होती है और टैप की जो है उससे स्पेस बार से ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होता है अगर वर्ड्स के दरमियान में तो वो देने के लिए इस्तेमाल होती है। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हेडर एंड फूटर। हेडर का मतलब होता है हेडिंग, जो आपकी डिस्प्ले होती है ऊपर, या वो इंफॉर्मेशन जो आपके पेज के ऊपर जो है गिवन है वो हेडर कहलाता है। और जो फूटर जो होता है पेज का जो निचला हिस्सा होता है यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो फूटर कहलाता है। अब इसके बारे में रीड कर लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। हेडर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ ईच पेज। हेडर जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है कहाँ पर, पेज के ऊपर, सही है। फूटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। फूटर जो है पेज के नीचे मतलब लास्ट में जो है तमाम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक इन हेडर एंड फूटर।
हम जो है टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं और कोई ग्राफिक यानी कि कोई इमेज वगैरह भी अगर लगाना चाहें तो हम अपने हेडर एंड फुटर पे लगा सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि हेडर कैसे अप्लाई किया जाता है और फुटर कैसे अप्लाई किया जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिए, व्यू टैब पे क्लिक द वन पेज, यहाँ पे व्यू टैब पे आके वन पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब, हेडर एंड फुटर ग्रुप और क्लिक हेडर। अब हेडर एंड फुटर ग्रुप में क्या किस पे क्लिक करेंगे, हेडर पे। अभी हम जो है ऊपर जो पेज पे हेडिंग होती है या इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको लगाना सीख रहे हैं। अ लिस्ट ऑफ बिल्ट इन हेडर अपीयर। अब जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे ना कुछ लिस्ट आ जाएगी। अब उस लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक डिज़ाइन एंड यू कैन सी थ्री पार्ट्स ऑफ द पेज। फिर आप देखेंगे पेज के थ्री पार्ट्स हो जाते हैं, एक हेडर, एक फुटर और एक जो सेंटर एरिया जहाँ पे आप काम करते हैं। चेंज द फॉन्ट साइज टू 48 जो है पेज साइज रखें इसका। हेडर बॉक्स एंड टाइप माई बेस्ट फ्रेंड, हेडर बॉक्स पर टाइप कर दें। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक द चेंज द फॉन्ट साइज टू 48, चेंज फॉन्ट साइज चेंज करेंगे 48 पे। उसके बाद क्लिक इन द हेडर बॉक्स एंड टाइप माई बेस्ट फ्रेंड, हेडर बॉक्स पे क्लिक करके टाइप करेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। क्लिक टू सेंटर इट और उसके बाद इसको सेंटर पे कर देंगे। नाउ क्लिक इन द फुटर बॉक्स, उसके बाद नीचे फुटर का जो बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे टाइप कर देंगे, डेट मेंशन कर देंगे जो भी आज आपके, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें कोई भी डेट हो वो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टू रिटर्न टू योर डॉक्यूमेंट क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आना है यानी कि हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट पे वापस आने के लिए आप क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर पे क्लोज करेंगे। अच्छा जी, आपका जो ये हेडर एंड फुटर है आप बस एक जगह हेडर एंड फुटर लगाएंगे तो आप जितने भी पेजेस पे काम करेंगे उन तमाम पेजेस पे हेडर एंड फुटर अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार अप्लाई करना नहीं पड़ता। इसका ये मकसद होता है जैसे कि आप बुक्स लिख रहे हैं या कोई मैगजीन्स वगैरह लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपने हेडिंग्स डाली, मेन हेडिंग डालने के बाद लास्ट में जो है आपने डेट वगैरह मेंशन की तो आप वो चीज़ें आपको बार बार टाइप ना करना पड़े, उसके लिए हेडर एंड फुटर यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, मिडिल पेज पे आ जाएंगे, नेम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड अप्लाई अ बुलेट स्टाइल। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के नेम लिखे और अप्लाई कर दिए बुलेट स्टाइल। तो कुछ इस तरीके से पेज पे आ जाएगा आपका, ये रहा हेडर, ये आपका मेन पेज सेंटर पेज और ये रहा फुटर। आई होप कि हेडर एंड फुटर आपको क्लियर होगा। उसके बाद आप हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग कॉलम्स। कॉलम किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, एक तो कॉलम हम टेबल की मदद से क्रिएट करते हैं, इसके अलावा जो आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे और मैगजीन्स देखे होंगे उसमें भी कुछ कॉलम्स होते हैं जो बगैर लाइंस वगैरह के होते हैं, उससे कैसे क्रिएट करते हैं वो अब हम यहाँ पे रीड करते हैं। वी कैन ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इनटू टू और मोर कॉलम। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक या दो कॉलम, दो से ज़्यादा कॉलम में भी अपना टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मल्टी कॉलम लेआउट आर मोस्ट ऑफन यूज इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। और जो मल्टी कॉलम लेआउट होता है वो अक्सर कहाँ इस्तेमाल होता है, या तो न्यूज़पेपर पे इस्तेमाल किए जाते हैं या मैगजीन्स पे। अब इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं और ये ऑप्शंस कहाँ मौजूद होते हैं वो देख लेते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन योर व्यू टैब क्लिक द वन पेज। न्यू डॉक्यूमेंट जो है व्यू टैब से क्रिएट कीजिए, उसके बाद वन पेज पे क्लिक कीजिए। ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप कॉलम क्लिक कॉलम। अब पेज सेटअप पेज लेआउट टैब पे जाकर पेज सेटअप कॉलम पे क्लिक करें, उसके बाद कॉलम पे क्लिक कीजिए। अब प्री डिजाइंस ऑफ कॉलम्स अपीयर, उसके बाद आपके एक कॉलम अपीयर होगा जिसमें लिखा होगा 1 2 3 4 एंड है, वहाँ पे सीक्वेंस लिखी होगी। सेलेक्ट टू कॉलम्स लेआउट, उसके बाद टू कॉलम से लेआउट सेलेक्ट कीजिए। चेंज द फॉन्ट साइज टू 48, चेंज कर दें फॉन्ट साइज को 48 पे। नाउ प्रेस एंड होल्ड एनी लेटर टू सी टेक्स्ट फिल बोथ कॉलम। उसके बाद कोई भी एक कॉलम आप जो है प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो काम आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ना ही आपको कोई कॉलम ड्रॉ करने की ज़रूरत है, ना टेबल ड्रॉ करने के लिए ज़रूरत है, ऑटो आपका जो है काम कॉलम वाइज आ जाएगा। होल्ड कंट्रोल है टू सिलेक्ट ऑल, तमाम जो है कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कीजिए। टू टैप डिलीट टू क्लियर द पेज, तो डिलीट करने के लिए पेज को क्लियर करने के लिए। अब ये इन्होंने एक प्रैक्टिस करने के लिए बताया कि आप जो है कॉलम को लेके टू कॉलम लेकर उसके बाद जो है कोई भी एक जो है बटन प्रेस करके रखें ताकि वो कॉलम आपको समझ आ जाए किस तरीके से आया। अब इसमें आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं, ऐसे लिखा या कुछ भी टाइपिंग की तो उस टाइपिंग करने के बाद उसमें दो कॉलम अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी आज चीज़ें सीखी हैं, बुलेट लगाना आपने सीखा, हेडर फुटर सीखा, जो आपने कॉलम किस तरीके से इंसर्ट किए जाते हैं ये देखा आपने, क्लिप आर्ट लगाना, वर्ड आर्ट, अब आप
जो है घर में भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें लगाई जाती हैं। चलिए अब असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। ये आपका लास्ट असाइनमेंट है, कुछ ऑब्जेक्टिव वर्क है, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑफिस बटन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज क्विक एक्सेस टूल बार होल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिपिन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी यूज मल्टी कॉलम लेआउट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमांड बटन। नेक्स्ट है वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग, स्पेल चेक। व्हाट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस क्विक एक्सेस कमांड टूल बार। विच ऑप्शन इज यूज टू रिप्लेस मिस स्पेल वर्ड ऑटो करेक्ट। विच व्यू इज यूज टू सी अ फुल व्यू लेंथ व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट, फुल स्क्रीन रीडिंग। इन विच ग्रुप बुलेट्स एंड नंबर ऑप्शन लोकेटेड, पैराग्राफ ग्रुप। इन विच व्यू हेडर एंड फुटर्स आर विजिबल, प्रिंट लेआउट व्यू। व्हाट इज द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड, वर्ड आर्ट। विच आइटम अपीयर डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट, वाटरमार्क। What is the default font in Word 2007, Calibri? What is the maximum zoom value in Word page 500? In which year MS Office was first released? In the name of Multitool Word 1983. What are portrait and landscape page orientation? आप fill in the blanks हैं आपकी। उसके बाद है ये आपका ऑब्जेक्टिव वर्क है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक से बात है। ऑब्जेक्टिव वर्क की आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। राइट द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग टैब। होम टैब में कौन से ग्रुप शामिल होते हैं और इंसर्ट टैब में कौन से ग्रुप शामिल होते हैं, उनके नेम लिखने हैं आपने यहाँ पर। जी स्टूडेंट, अब है राइट द कीज ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस के कुछ एक्शंस गिवन है, उनसे रिलेटेड कीज लिखनी है। उसके बाद ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी के अंदर टैब है, ग्रुप, डायलॉग बॉक्स, स्क्रिबल, फ्री फॉर्म, फॉर्मेट टैब, टेक्स्ट बॉक्स, टेम्पलेट। इसी की तरह साथ आपका ये लास्ट लेक्चर था कंप्यूटर का, क्लास 4। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तमाम काम को इसके पेपर पे कर स्कूल में सबमिट करवाएं। थैंक यू।